नमस्कार। आज आदरणीय रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की स्मृति में उनकी श्रेष्ठ काव्यांजलि गीतांजलि से मैं सुना रही हूँ आपको। हे थाए तिनी कोल पेते छेन हास्य प्रकाश। मेरे इस घर में उसने स्वयं प्रवेश कर लिया, उसके लिए अब सुंदर आसन बिछा, खुशी के गाने गा, घर की धूली को निकाल, हृदय की मलिनता को धो और फूलदान में पानी रखकर सजा। दिन रात वह मेरे ही घर में रहता है, सुबह की वेला में उसका हास्य प्रकाश घर भर में फैल जाता है। प्रभात में हमारी आँख खुलते ही उस आनंद रूप के दर्शन होते हैं, उसकी मुस्कान से सारा घर फिर खिल उठता है। हमारे घर में वह अकेला ही बैठा है। जब हम काम पर बाहर जाते हैं तो वह द्वार तक विदा देने आता है। दिन ढलने पर जब हम अपने काम धंधों से निपटकर घर वापस आते हैं तो वह घर में अकेला ही बैठा होता है। मैं जब बिछोने पर बेखबर सो जाता हूँ तो वह मेरे घर में अकेला जागता रहता है। उस समय उसकी लुप्त ज्योति जग में कहाँ दिखाई नहीं देती। वह ज्योति उसके आंचल में रात भर प्रज्वलित रहती है। कभी निद्रा में, कभी स्वप्न में वह आता जाता है और हमारे घर के अंधकार में हंसता रहता है। धन्यवाद।